लोग क्यों आ गए हो यहाँ पे? यार कुकू मामू प्लीज समझाएं इन्हें। और मैं तो एक घंटे से समझा रहा हूँ, वो दुनिया का आखिरी मर्द नहीं था। अल्लाह पाक ने बतूल का रिश्ता कहीं और लिखा होगा। मेरी बेटी के साथ क्यों होता है? अब्बा मियां ये सब कुदरत के फैसले हैं, इसमें भी कोई ना कोई मसलियत होगी। मसलियत? क्या मसलियत होगी इसमें? अरे उम्र गुजरती जा रही है उसकी, दोनों भाई जो हैं उसके वो एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं है। अरे सोचो कल को मुझे कुछ हो गया, कौन उसका वाली वारिस होगा बेटा? मैं हैं? अगर आप मुझे इस काबिल समझे तो। दीवारें चीन से भी ज्यादा बुलंद है तुम्हारी बहन की नफरत की दीवार। बुरा मत मानिएगा बमिया, मेरे मोहब्बत की माउंट एवरेस्ट से बड़ी नहीं है उनकी नफरत की दीवार। अरे कुकु मामू अफसोस की बात तो ये है कि हम लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। इतना तो कर सकते हैं कि किसी मस्जिद में हम दोनों के निकाह ही पढ़वा दे खामोशी से। प्लीज दिमाग खराब हो गया तुम्हारा क्या? आप एक दफा ठंडे दिल से सोचिए तो सही प्लीज। अरे यार बच्चों से पूछे बगैर मैं इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकता। छोड़ दे उन सबको अब्बा, मैं अपनी दुश्मनियां निभाते हुए उन्होंने आपसे कभी पूछा है और आप अपनी बेटी का घर बसाने के लिए उनकी तरफ जा रहे हैं। माजरत के साथ उनके किबले कभी दुरुस्त नहीं होंगे जिंदगी भर। बात तो ठीक कर रहे हैं कुकु मामू, और इसमें हर्ज भी कोई नहीं है। कुकु मामू से बेहतर कोई नहीं मिल सकता बिट्टू आपा को। आप खामोशी से करें आज ही मेरा निकाह, और खुदा दी कसम इज्जत और वकार के साथ लेकर जाऊंगा आपकी बेटी को इस घर से। ये वादा है मेरा आपके साथ।